हेलो, आज अपन बात करेंगे करी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी बोलते हैं, और हमारी हैदराबादी लैंग्वेज में करिया पाक बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, इसको कैसा बुशिक करें, और इससे न्यू न्यू ब्रांचेस, न्यू न्यू शूट्स कैसे अपन ले सके इस प्लांट से। अपन आज इस पर बात करेंगे, इसकी सॉइल, वाटरिंग, सनलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स बिगेन। करी पत्ते के प्लांट को आप अपने टेरिस गार्डन गार्डन में लगाने के कुछ सिंपल से ट्रिक और ट्रिक्स है, जो आप करने से आपका करी पत्ते का प्लांट मेरे प्लांट के जैसा बुशी हो जाएगा। ये मेरा देसी गुलाब की कटिंग में लगाया था, जो सक्सेसफुल हुई। अब अपन इसकी पॉटिंग मिक्स पे बात करेंगे, 50% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, और 20% आप कौन सी भी कंपोस्ट यूज़ करते सकते हैं। और ये जो करी पत्ते का प्लांट है, वो समर सीज़न में अच्छे से ग्रो होता है, और इसके टॉप पे करी पत्ते का फ्रूट आता है, फिर उसमें सीड डेवलप होते हैं। मैं करी पत्ते के ऊपर फ्लावरिंग आते ही मैं कट कर देता हूँ, बिकॉज़ जो वो पूरी एनर्जी फ्रूट लगाने में ले लेता है, तो लीफ डेवलपमेंट में प्रोड्यूस नहीं कर लीफ न्यू न्यू लीफ प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए मैं करी पत्ते पे से फ्लावरिंग नहीं लेता हूँ। आप देखिए मेरा कितना बुशी प्लांट है, इतना बुशी प्लांट है। आप बुशी करने की ट्रिक्स देखिए, आप कट करते ही दो दो शूट्स निकलते हैं, न्यू ब्रांचेस निकलते हैं। आप देखिए, मैं जहाँ से कट करा वहाँ से दो दो ब्रांचेस निकले। तो आप इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी कटिंग प्रूनिंग की। आप जितना कट करेंगे आपका प्लांट उतना ही बुशी होगा, और हेल्दी के लिए तो आपको कुछ फर्टिलाइजर्स यूज़ करना पड़ेगा। आप अंत तक बने रहिए, मैं आखिरी में आपको फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करना है वो बताऊंगा मैं आपको। आप देखिए, मेरे प्लांट पे कुछ भी फंगस नहीं लगा हुआ है, ना कुछ इंसेक्टिसाइड नहीं लगा हुआ है, सब मेरा प्लांट फिट एंड फाइन है। करी पत्ते के प्लांट पे ये कॉमन सी बीमारी है, ब्लैक डॉट्स, वाइट डॉट्स, फंगस लगना। आप इससे सोल्यूशन आपका क्या है, नीम ऑयल स्प्रे करिए आप 15 15 डेज़ को, या पानी, खाली आप क्लीन वाटर का स्प्रे भी करें तो, मगर आप वो अल्टरनेट डेज पे करना पड़ेगा वो पानी का स्प्रे, तो आपके प्लांट्स पर कुछ भी फंगस लगने का डर नहीं रहता। प्लीज़ डोंट यूज़ केमिकल, बिकॉज़ आप लोग इसे कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ मत यूज़ करिए आप केमिकल, ऑर्गेनिक से करिए। यू नो वॉट, आप इसके ऊपर शैम्पू का या सर्फ का स्प्रे कर सकते हैं आप, वो भी 10 10 डेज में करिए, तो उससे भी नहीं आते इंसेक्टिसाइड। और आप कुकिंग के लिए नीचे के लीफ तोड़िए, डार्क ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर के मत तोड़िए। आप इसको सनलाइट जितनी ज़्यादा देंगे उतना अच्छा है ये प्लांट के लिए। आप फुल डे की सनलाइट दीजिए प्लांट को, और वाटरिंग आप ज़्यादा मत करिए वाटरिंग, जब जब आपकी सॉइल ड्राई दिखे आप जब जब भी वाटर स्प्रे करिए। और इसके फर्टिलाइज़र आप, मैं तो इसको बनाना पील फर्टिलाइज़र देता हूँ, और कभी गोबर की खाद, या कभी वर्मी कंपोस्ट, ऑल्टरनेट 15 15 डेज पे देता हूँ मैं, अलग अलग हर 15 डेज पे अलग अलग देता हूँ। एक फर्टिलाइज़र मत दीजिए आप भी मेरे जैसे चेंज करके दीजिए। इसपे के न्यू लीफ देखिए आप कितने अच्छे आ रहे हैं। ये वेदर है, आप भी आपके प्लांट्स पर कटिंग प्रूनिंग करिए, आप टिप्स कट कर दीजिए 2 2 इंच। आप देखिए कितना लेंथी प्लांट है मेरा, ये 8 या 9 इंच के पॉट में लगा हुआ है। आप पॉट प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, आप सीमेंट भी ले सकते हैं, कौन सा भी ले सकते हैं। आप ये आपकी टेरिस गार्डनिंग पे ग्रीन कलर से बहुत अच्छा खूबसूरत लगेंगे आपके टेरिस गार्डनिंग पे। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से ला लीजिए। मैं तो ये प्लांट सीड से ग्रो करा था, ये प्लांट मेरा 2 या 3 इयर्स ओल्ड प्लांट है मेरा। ये प्लांट इतना बुशी नहीं था, लास्ट 2 मंथ में से अब बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, इसलिए ये इतना हेल्दी प्लांट लग रहा है। इसके लीफ के लेंथ देखिए आप, मेरे आधा हाथ से भी ज़्यादा लंबे इसके लीफ के लेंथ अब दिख रहा होगा आपको इस वीडियो में। इतनी अच्छी स्मेल है ये प्लांट की।
आप खाली आपके फिंगर में लेके रब करके स्मेल सूंघे तो ये प्लांट की स्मेल आती है आपको। अगर आपको वीडियो ज़र्री भी अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर दीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। आप देखिए ये प्लांट में न्यू न्यू शूट्स डेवलप्ड हो रहे हैं। अब विंटर में ये प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चले जाता तो इसमें न्यू शूट डेवलप नहीं होते, और जैसा जनवरी फरवरी लगता है जब से न्यू न्यू शूट्स और न्यू न्यू ब्रांचेस डेवलप होते ये प्लांट में। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है न्यू टॉपिक पर।